आज मैं कुंदन कुमार क्लास सिक्स की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं मोर अबाउट नाउंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप देखेंगे कि सी नंबर क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए। पहले क्वेश्चन कहता है कि चेंज द नंबर एंड री राइट द सेंटेंसेस। कहता है क्या है कि नंबर को चेंज करने अर्थात जो सिंगुलर है उसे प्लुरल में, जो प्लुरल है उसे सिंगुलर में, और पुनः फिर सेंटेंस को री राइट करने, पुनः लिखने भी हैं। याद रहे कि सिंगुलर से प्लुरल में हम किसको चेंज कर सकते हैं, तो सबसे आसान पहचान है इसकी कि जो नाउन कॉमन नाउन हो उसको जनरली हम क्या करते हैं कि उसको सिंगुलर से प्लुरल में चेंज कर देते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करते वक्त आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये नाउन काउंटेबल है या नहीं। अगर वो काउंटेबल नहीं होगा तो उसे हम सिंगुलर से प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर सी के एग्जाम्पल के तौर पर समझता हुआ फिर क्वेश्चन नंबर 1-8 की चर्चा करूंगा। कहता है द बॉस गिव डिक्टेशन टू द सेक्रेटरीज। अब यहाँ देखते हैं बॉस, बॉस सिंगुलर है, इसका जब प्लुरल बनाऊंगा तो बॉसेस बनेगा। सेक्रेटरीज का प्लुरल फॉर्म है ये, और सेक्रेटरीज का जब सिंगुलर फॉर्म लाएंगे तो ये वर्ड क्या बनेगा, सेक्रेटरी। अब कहता है कि द बॉसेस गिव डिक्टेशन टू द सेक्रेटरी, अर्थात जो सिंगुलर था उसे प्लुरल में, जो प्लुरल था उसे सिंगुलर में। अब उसी प्रकार भी आप देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन को कि मैं इसे पेज में बना के रख दिया हूँ ताकि कम समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जा सके। इसलिए अभी देखिएगा यह क्वेश्चन आपका कहता है कि अ फ्लावर वेज वाज केप्ट ऑन द टेबल। कहता है कि फ्लावर वेज मतलब फूल की जो फूलदान है वो कहाँ रखा गया, टेबल पे रखा गया। देखते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। तो फ्लावर वेज, वेज का प्लुरल वेसेस, वर केप्ट ऑन द टेबल, टेबल का जो प्लुरल बनेगा तो क्या बनेगा, टेबल्स। इसलिए इसको जो बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा सेंटेंस के रूप में, फ्लावर वेसेस वर केप्ट ऑन द टेबल्स, मतलब फ्लावर वेसेस कहाँ रखे गए थे, टेबल पे रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं चर्चा करूँ तो अभी कैसे बनाएंगे इसको 2 को। तो कहता है द लेडीज लेफ्ट देयर बॉक्स ऑन द बेड। वो जो महिलाएं लोग थी वे अपने बॉक्स को कहाँ छोड़ दी, तो बेड पे। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, द लेडी लेफ्ट हर बॉक्सेस ऑन द बेड्स। लेडीज़ का सिंगुलर लेडी, बॉक्स का प्लुरल बॉक्सेस, बेड का प्लुरल बेड्स, क्योंकि जो सिंगुलर था उसे प्लुरल, जो प्लुरल था उसे सिंगुलर में लाना था। तो क्या देखें कि द लेडी लेफ्ट हर बॉक्सेस ऑन द बेड्स, मतलब क्या है कि वो महिला अपने बॉक्स, अपने बॉक्सेस को कहाँ छोड़ दी, बिछावन पे छोड़ दी, ऑन द बेड्स। मोर देन 1 बेड्स की चर्चा हो रही है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंस रोड अप द हिल ऑन हिज हॉर्स। जो प्रिंस था वो किधर चढ़ा, तो हील की ओर, किस पर सवार होकर, हॉर्स पे। तो फिर कैसे बनाएंगे, द प्रिंस का प्लुरल प्रिंसेस, द प्रिंसेस भी लगा सकते हैं, क्लियर, द प्रिंसेस भी लगा सकते हैं। रोड अप द हिल, हिल्स का प्लुरल हिल्स बनेगा, हिल का प्लुरल हिल्स, और हॉर्स का प्लुरल हॉर्सेस। अभी आप क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हेन आई प्रिंसेस रोड अप द हिल्स ऑन देयर हॉर्सेस, जो सारे राजकुमार थे, सारे राजकुमार किस पे चढ़े, हिल्स पे, किस पे, अपने अपने घोड़े से, घोड़े पर सवार होता हुआ उस पे चढ़ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द गर्ल वन प्राइजेज इन द कॉन्टेस्ट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका तो दिखाई देता होगा। तो द गर्ल वन प्राइजेज इन द कॉन्टेस्ट का मतलब हुआ कि वो लड़की ढेर सारे इनाम प्रतियोगिता में जीती। तभी आप देखते हैं मोर देन 1 प्राइज की चर्चा हो रही है, मतलब प्राइजेज है, तो उसका सिंगुलर द गर्ल जो सिंगुलर उसे प्लुरल में लाना पड़ेगा, जो कि भी आप देख रहे हैं 4 नंबर में यहाँ लिखा है कि द गर्ल्स वन अ प्राइज इन द कॉन्टेस्ट। जिस प्रकार की यहाँ कॉन्टेस्ट प्लुरल था उसका सिंगुलर कॉन्टेस्ट बनेगा, तो भी आप देखेंगे कि द गर्ल्स वन अ प्राइज इन द कॉन्टेस्ट, गर्ल का प्लुरल गर्ल्स, और प्राइजेस का सिंगुलर प्राइज, और कॉन्टेस्ट का सिंगुलर कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता। द वुमन क्लिक्ड अ फोटो ऑफ द रेयर बर्ड्स। द वुमन का प्लुरल वीमेन, और बर्ड्स का सिंगुलर बर्ड, फोटो का प्लुरल फोटोज, क्लियर। तभी फिर मैं इसको कैसे बनाऊंगा, कहता है कि वो महिला द वुमन एक निराला पक्षी की पिक्चर क्लिक की, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। 5 नंबर में यहाँ मैंने लिखा है कि द वुमन क्लिक्ड फोटोज ऑफ द रेयर बर्ड, क्योंकि वहाँ जो वुमन जो वर्ड था उसका प्लुरल बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, वीमेन। द वीमेन क्लिक्ड फोटोज, फोटो का प्लुरल फोटोज, और बर्ड्स का सिंगुलर बर्ड, तो क्या लगाए, द वीमेन
क्लिक्ड फोटोज ऑफ द रेयर बर्ड। वो जो महिलाएं थी वे महिलाएं क्या कर रही कि निराला पक्षी की फोटोज ढेर सारी खींची। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करूं तो अभी क्वेश्चन कहता है कि द सन्स इन लॉ मेट द मदर्स इन लॉ इन पार्टीज। वो जो सन्स इन लॉ थे वो किससे मिले, मदर्स इन लॉ से, कहाँ तो पार्टीज में। तो सन्स इन लॉ का सिंगुलर बनाऊंगा तो सन इन लॉ, मदर्स इन लॉ का जब सिंगुलर बनाऊंगा तो मदर इन लॉ, पार्टीज का सिंगुलर बनाऊंगा तो पार्टी। उसी को पुनः फ्री राइट मैंने करके लिखा है 6 नंबर में, यहाँ देखिए मिलेगा आपको द सन इन लॉ मेट द मदर इन लॉ इन पार्टी। जो सन इन लॉ थे वो कहाँ मिले, मदर इन लॉ, कहाँ, पार्टी में। अब कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, द म्यूजिशियंस प्लेड ऑन देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो सारे म्यूजिशियंस थे वो अपने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, बजाए, क्लियर, या उस पर अपने काम करते थे, बोले तो प्लेड मतलब बजाना। तो म्यूजिशियंस का सिंगुलर जब बनाएंगे तो वर्ड बनेगा म्यूजिशियन। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स का जब प्लूरल फॉर्म तो है ही, इंस्ट्रूमेंट्स का जब सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा इंस्ट्रूमेंट। तो उसको फिर हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा है 7 नंबर में, अभी आप देखेंगे इसको, द म्यूजिशियन प्लेड ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देन द म्यूजिशियन प्लेड ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करूँ, 8 में क्या कहता है, कहता है द सेब्स प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस डिश फॉर द सेरेमनी। जो सेब्स हैं वो क्या करा, तो एक डिलीशियस व्यंजन सेरेमनी बोले तो समारोह के लिए बनाया। अब देखते हैं कि यहाँ जो डिलीशियस डिश की बात, थोड़ा डिश मतलब होता है व्यंजन, और डिशेस, डिश का पुलर जब बनाएंगे तो डिशेस बनेगा, सेरेमनी का, सेरेमनी तो होता ही है उसमें तो कुछ हम बदलाव करेंगे तो वर्ड क्या बनेगा, सेरेमनीज, क्लियर। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो भी आप देख रहे हैं 8 नंबर में है, 8 नंबर को मैं कैसे बनाता हूँ वो देखिएगा। सेफ्स का सिंगुलर बनेगा सेफ, द सेफ प्रिपेयर डिलीशियस डिशेज, डिश का पुलर डिशेज फॉर सेरेमनी, सेरेमनी का पुलर सेरेमनीज। उस रूप से बनाइए आप, क्या बनाएंगे, तो जो सेफ था वो क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन सेरेमनीज के लिए तैयार किया, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट और सेरेमनीज मतलब समारोह। अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाया जाए, इसका आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी के बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको भी मैं बनाता हूँ, इसी के जैसा नेक्स्ट पेज पे चलूँगा। अब फिर कहता है डी नंबर क्वेश्चन कि अंडरलाइन द एरर्स एंड री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली। कहता है जहाँ गलती है उसे अंडरलाइन करें और पुनः फिर सेंटेंस को सही रूप से लिखें। अब कहता है द डियर्स आर ग्रेजिंग इन द पास्चर। तो आपको पता होना चाहिए डियर्स में डियर का सिंगुलर या प्लूरल दोनों सेम रहता है, इसलिए भी आपने देखे कि जब अगर डियर्स प्लूरल फॉर्म में अगर लाएंगे तो वर्ड डियर ही लिखना पड़ेगा। क्या कहा, डियर, द डियर आर ग्रेजिंग इन द पास्चर, पास्चर मतलब चारागाह होता है, क्लियर। तो कहता है क्या यहाँ चारागाह है। अब कहता है कि द डियर आर ग्रेजिंग इन द पास्चर, जो गलत था उसको अंडरलाइन करना और उसको सही रूप से लिखना। अब उसी प्रकार से मैंने सबका बना के लिखा भी है, और ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दिया जा सके, इसको मैं बढ़ाता हूँ ऊपर। अब कहता है क्या कि ही वांट्स अ ट्वीज़र, कहता है कि वह क्या चाहता है, तो एक ट्वीज़र चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ट्वीज़र का जब अगर सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो आप क्या क्या बनेगा, अ पेयर ऑफ ट्वीज़र्स, क्लियर, अ पेयर ऑफ ट्वीज़र्स। तभी देखते हैं कि उसने क्या लिखा है कि ही वांट्स अ पेयर ऑफ ट्वीज़र्स, गलती कहाँ था, यहाँ पे था, इसलिए जब भी कभी आप लिखेंगे तो वर्ड के रूप में क्या लिखना पड़ेगा आपको, ही वांट्स अ पेयर ऑफ ट्वीज़र्स, उसे क्या चाहता हुआ, तो एक चिमटी, एक पेयर ऑफ ट्वीज़र्स चाहता है। दिस सीजर इज़ वेरी शार्प, वो जो यह जो कैची बहुत तेज़ है, इसीलिए जब इसको बनाऊंगा तो क्या बनेगा सही रूप से, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज़ वेरी शार्प, क्लियर, इस रूप से इसको, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज़ वेरी शार्प। His shirt is red in color. उसकी जो शर्ट है छोटी सी जांघिया, तो his shorts जब भी बनाऊंगा तो shorts ही बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे nouns जो एक के बिछुड़ जाने के बाद बेकार हो जाते हैं तो हमेशा plural ही होते हैं, इसलिए उसे आप plural form में ही डालें। His shorts are red in color. उसकी जो जांघिया है वो कैसे कलर में क्या है, रेड है। कहते हैं द वुमेन कलर्ड हर हेयर्स। अब यहाँ पुनः जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, हेयर्स गलती है, यहाँ देखते हैं हेयर्स गलती है। कहता है कि द वुमेन कलर्ड हर हेयर, द वुमेन कलर्ड हर हेयर, नहीं कि हेयर्स, क्लियर, क्योंकि वो अनकाउंटेबल फॉर्म में
आते हैं उसकी काउंटिंग तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हेयर को हेयर ही छोड़ दें। क्लियर। अब द वुमन कलर्ड हर हेयर, मतलब क्या है कि वो जो महिला थी वो अपने बाल को क्या करे, कलर करे। क्लियर। थोड़ा सा स्पेस को मैं आगे खिसकाता हूँ। चलिए अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आइए। फिफ्थ में कहता है सी इज़ वियरिंग अ स्मार्ट स्पेक्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्टिकल एक के बिछड़ जाने के बाद बेकार ही तो हो जाएंगे, इसलिए स्पेक्टिकल सी लगेगा। तो क्या है, सी इज़ वियरिंग अ स्मार्ट स्पेक्टिकल, मतलब क्या है कि वह क्या कर रही है, तो एक स्मार्ट स्पेक्टिकल पहन रही है। इसका मतलब जब सही रूप से इसको लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, सी इज़ वियरिंग अ पेयर ऑफ स्मार्ट स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स होते हैं ना, चश्मा होता है, इस रूप से उसे बनाएंगे। माई ब्रदर वोर अ ब्लैक ट्राउजर, मेरा जो भाई वो क्या पहना, एक ब्लैक ट्राउजर पहना। मतलब क्या है कि यहाँ लगाना पड़ेगा कि माई ब्रदर वोर अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स, कहते हैं ना, अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स, इस रूप से आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन की मैं बात करूँ, सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि सम पीपल हैव पुअर एटिक्वेट्स, कुछ लोगों के पास क्या होता है, शिष्टाचार का अभाव होता है, बोले तो वो उसमें के प्रति पुअर होते हैं। इसलिए तो अभी आप देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी इसको देखता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाए सेवन नंबर क्वेश्चन को। तो अब देखिए सेवन में मैंने लिखा है कि सम पीपल हैव पुअर एटिक्वेट्स, एटिक्वेट्स नहीं कि एटिक्वेट्स। क्लियर। तो एटिक्वेट्स इसमें गलत था, इसमें सही क्या बनता, एटिक्वेट्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका गलती क्या था, अभी आप देखेंगे ऊपर वाले में, ऊपर वाले फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में स्पेक्टिकल, इसमें स्पेक्टिकल्स होता, ट्राउजर जो वर्ड यहाँ लिखा है इसमें ट्राउजर की जगह पर जो गलती है वो सारा मैंने बताया, वो ट्राउजर वर्ड उसमें गलत है। एट नंबर की मैं बात करूँ, एट नंबर कहते हैं द फिशेज आर स्विमिंग इन द रिवर, जो फिशेज हैं वो क्या करें, पानी में तैर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि फिशेज का सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम रहता है, फिश बनता है, लेकिन फिशेज का मतलब अगर सीनियर, जब अगर अपर लेवल की पढ़ाई करूँ तो फिशेज का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश हो जाता है, मतलब अलग अलग प्रजाति का, अलग अलग जाति का, तभी आप फिशेज लगा सकते हैं। तो अभी आप देखते हैं क्या कि यहाँ फिशेज हैं, ये फिशेज का जब बनाऊंगा तो वर्ड कैसे रूप में बनेगा, तो द फिश आर स्विमिंग इन द रिवर, द फिश आर स्विमिंग इन द रिवर, इसी रूप में आप बना सकते हैं। दूसरे की बात करूँ कि आई टुक आउट माई बाइनोक्यूलर टू सी द पीकॉक क्लोजली, पता होना चाहिए कि बाइनोक्यूलर्स यहाँ जो बनाऊंगा तो यहाँ सिंगुलर के फॉर्म में जब भी डालूँ तो यहाँ के रूप में, जैसे अगर मैं लिखूँगा इसको तो क्या लगाना पड़ेगा, तो आई टुक आउट माई पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स टू सी द पीकॉक क्लोजली। मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो बाइनोक्यूलर्स का जो पेयर था उसे मैं लेकर आया ताकि मैं नज़दीक से पीकॉक को देख सकूँ। अब टेन नंबर क्वेश्चन में कहता है सी बॉट अ रेड पैंट फ्रॉम द सेल, उसने क्या खरीदा, एक रेड पैंट खरीदा, कहाँ से, सेल से। क्लियर। तो अभी देखेंगे कि टेन नंबर को कैसे बनाएंगे, सही रूपों से अगर देखा जाए तो यहाँ देखें मैंने बनाया है सी बॉट अ पेयर ऑफ रेड पैंट्स फ्रॉम द सेल, उसने क्या किया कि एक रेड पैंट्स का एक पेयर खरीदी, कहाँ से, तो सेल से। इस रूप से अभी आपने देखा कि वन से लेकर टेन तक जो क्वेश्चन डी नंबर का था, मोर अबाउट नाउंस का, गो ग्रामर सेक्शन की, गो ग्रामर बुक की, उसको आपने भी देखा कि इसको कैसे बनाया जाए। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।